मेरा काम यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन अल्टरनेटर का आए या मोटर का आए, मुझे रटना कम से कम पड़े। मैं ये कभी नहीं चाहता कि आप लोग इतना ज्यादा रट करके जाओ कि वहां बैठ करके एग्जाम में बैठ करके ये सोच रहे हो कि कौन सा फॉर्मूला पढ़ाया गया था, कौन सा याद रखने को बोला था और अब उसे अप्लाई कैसे करें। तो जैसा कि हमने सिलेंड्रिकल मोटर में किया था या सिलेंड्रिकल रोटर के लिए किया था कि जनरेटर मोटर का सेम फॉर्मूले से काम चल गया था, सेम चीज मैं यहां कहने वाला हूं कि यही याद रखना है जितना मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, सिर्फ इतना एग्जाम के लिए याद करना है। ठीक है, ये याद करना है। अब बात है भाई जनरेटर मोटर दोनों में कैसे चलाएंगे, तो ये क्वेश्चन आता है। देखो जैसे जनरेटर और एक अपना मोटर है, जैसा सिलेंड्रिकल रोटर में किया था 50 एम्पियर 0.8 लैग और मान लो 50 एम्पियर 0.8 लीड। तो इक्वेशन इतनी ही याद रखो, जनरेटर में अगर करंट 50 एम्पियर है तो 50 एम्पियर ही डालना, मोटर में 50 एम्पियर है तो नेगेटिव करके डालना क्योंकि करंट की डायरेक्शन उल्टी होती है। ये इक्वेशन लैगिंग के लिए डिराइव की गई थी तो लैगिंग के लिए फाई रख दोगे 36.86, लेकिन लीडिंग के लिए जब इक्वेशन लैगिंग की है तो लीडिंग के लिए नेगेटिव डाल दोगे, बस इतना करना। ठीक है कि जनरेटर के लिए करंट पॉजिटिव रखा जाएगा, मोटर के लिए नेगेटिव, लैगिंग के लिए फाई पॉजिटिव और लीडिंग के लिए फाई नेगेटिव, इतनी बात याद रखना। इन्हीं इक्वेशन से तुम्हारा हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, अगर टेन साई से साई पॉजिटिव आए या साई नेगेटिव आए, जब आईडी और आईक्यू निकालोगे तब साई विद साइन पुट किया जाएगा। तो इसमें लिखना व्हाइल कंप्यूटिंग आईडी एंड आईक्यू प्लेस आईए एंड साई अलोंग विद देयर साइन। माने मोटर में अगर -50 लिख रहे हो करंट, तो इस इक्वेशन में यहां आईडी में आईए को -50 ही डालोगे, -50 और यहां भी -50। ठीक है, ऐसा मत सोचना ये मैग्नीट्यूड है, यहां विद साइन डालना, -50 तो -50, +50 तो +50, और साई जो ऊपर से निकल के आया है, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव पुट करना, नेगेटिव आया तो नेगेटिव पुट करना, किसी भी टर्म का साइन इग्नोर नहीं करोगे। तो ये भी पॉइंट लिख लेना, इन दीज एक्सप्रेशन डू नॉट इग्नोर द साइन ऑफ एनी टर्म, द साइन ऑफ एनी टर्म। तो इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो, ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन लिखना, एन ऑल्टरनेटर हैज अ डायरेक्ट एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ 0.8 PU एंड क्वाड्रेचर एक्सिस सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ 0.5 PU। डिटरमाइन द पर यूनिट ओपन सर्किट वोल्टेज एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैग। पर यूनिट ओपन सर्किट वोल्टेज एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैग, नेग्लेक्ट सैचुरेशन। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो जो लोग ट्राई कर चुके हैं, जो लोग सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो हम बात करते हैं क्या क्या डेटा गिवन है। फुल लोड दिया है माने आईए को लेना है 1 PU, पावर फैक्टर है 0.8 लैग और मशीन है अल्टरनेटर। फिर अगली चीज हमें बताइए कि XD है 0.8 PU और XQ है 0.6 PU। अब पूछा है ओपन सर्किट वोल्टेज यानी कि EMF पूछा जा रहा है। अगर EMF पूछा जा रहा है तो सबसे पहले EF डैश निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, ये इक्वेशन लगा रहा हूं VT cos phi, VT भी 1 ले लो, रेटेड वोल्टेज cos phi 0.8 प्लस IA RA, RA अगर नहीं दिया तो 0 मान लो
VT sin phi, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर है तो phi पॉजिटिव ही डलेगा, ठीक है, phi को नेगेटिव मत डाल देना। तो अगर cos phi 0.8 है तो sin phi 0.6 होगा, प्लस IA XQ, ठीक है, तो यहां से EF डैश आ जाएगा तुम्हारा 1.36। अब tan psi निकाल लो, tan psi होगा सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, तो psi हो गया tan इनवर्स 1.2 बाय 0.8, 3/2। अब psi डेल्टा को लिख सकते हो psi माइनस phi, क्योंकि psi इक्वल टू डेल प्लस phi, tan इनवर्स 3/2 और phi 36.86, ठीक है, तो यहां से डेल्टा आता है 17.1 डिग्री और ये जो साई की वैल्यू है, ये साई की वैल्यू आती है 53.96, ठीक है, ये दोनों वैल्यू मिल गई। ईएफ डैश के बाद ईएफ निकालने के लिए पहले आईडी चाहिए, ये होता है आईए साइन साई, मैंने बोला विद साइन डालना, जनरेटर है तो आईए पॉजिटिव और साई तो पॉजिटिव आया ही है 53.96। तो अगर परपेंडिकुलर 3 है और बेस 2 है, मैं ये कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर है ये बेस है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, समझ गए। तो इसमें क्या है ना कि तुम्हें एंगल की जरूरत भी नहीं है, कैल्सी की जरूरत ही नहीं है, ये परपेंडिकुलर 3 और बेस 2, तो मैंने क्या किया पी बाय एच। अब इससे क्या हुआ, ई एफ जब निकालोगे तो ई एफ डैश प्लस आई डी, अब ये इक्वेशन स्केलर होती है, कोई फेजर नहीं है, एक्स डी माइनस एक्स क्यू 0.8 माइनस 0.6, तो ये आ जाता है 1.60 पी, ठीक है। ये जो लास्ट इक्वेशन लगाते हो इसके अंदर सभी क्वांटिटीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड डलेगा और यहां से आ जाएगा ईएमएफ, ठीक है। तो इन्हीं इक्वेशन का यूज करके हर क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है भाई। तो जैसे देखो सिलेंड्रिकल रोटर भी हमने पढ़ा था, सबसे पहले यही पढ़ा था ना, सर्किट डायग्राम, ईएमएफ इक्वेशन, यही सब चीजें थी, तो यही हमने यहां पढ़ लिया। और इवन जो तुमने ईएमएफ इक्वेशन पढ़ी थी 4.44 एफएन फाई इनटू केडब्ल्यू, वो तो सिलेंड्रिकल और सेलियंट पोल दोनों में ही चलती है, डिफरेंस वहां से आना शुरू होता है जहां से सर्किट की बात आती है, और सर्किट की बात आई थी जब हमने फेजर डायग्राम पढ़ा था। तो क्या क्या चीजें डिफरेंट हो गई, फेजर डायग्राम बदल चुका है सेलियंट पोल में और केवीएल की इक्वेशन बदल चुकी है। सर्किट का अगला यूज हमने किया था जब हमने पावर डिराइव की थी, वोल्टेज रेगुलेशन में देखो कोई चेंज नहीं है, कोई वोल्टेज रेगुलेशन निकलवाता है ईएफ माइनस वीटी अपॉन रेटेड वोल्टेज, यही वोल्टेज रेगुलेशन होती है, बस ये है कि ईएमएफ निकालने का तरीका बदल गया लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ। तो चाहे तो ऐसे लिख लो, इन सेलियंट पोल द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। अगला, द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज रेगुलेशन ऑल्सो रिमेन्स सेम। चेंजेस वहां आएंगे जहां सर्किट की बात आएगी, तो केवीएल वाली इक्वेशन हम बदल चुके हैं,